अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सनब्लॉक एंड सनस्क्रीन के बारे में डिटेल में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट इज सनस्क्रीन। तो गाइस, आप लोगों को पता है कि आजकल बहुत ज्यादा गर्मी है। आप लोगों को जो भी सूरज की शुआएं वगैरह नजर आ रही होती हैं, ठीक है, उनके अंदर यूवीए और यूवीबी रेज होती हैं। वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हैं। तो गाइस, इन यूवीए यूवीबी रेज की वजह से बहुत ज्यादा स्किन के इश्यूज होते हैं हमें, जिसके अंदर टैनिंग आ जाती है, जिसके अंदर रिंकल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर पिगमेंटेशन आ जाती है। तो आज मैं आप लोगों के सामने ये चार सनस्क्रीन लेके आई हूँ जो कि मैंने खुद परचेज की है। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, मैं आप लोगों को पहले ही बता दूंगी। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का ये होगा कि कौन सी सनब्लॉक जो है वो हमें लेनी चाहिए। तो मैं आप लोग को कुछ कॉमन पॉइंट्स बता देती हूँ जो कि आप लोग को हमेशा देखने हैं जब भी आप लोग सनस्क्रीन या सनब्लॉक परचेज कर रहे होंगे। आप लोग जो भी सनस्क्रीन सनब्लॉक परचेज करने लगे हो, उसके अंदर आपने चेक करना है कि एसपीएफ 30 या 30 प्लस लाजमी होना चाहिए, 30 से नीचे नहीं होना चाहिए। इतना एसपीएफ जो है हमारी स्किन के लिए जरूरी होता है। और आप लोगों ने गाइज मेक श्योर करना है कि उसके ऊपर ब्रॉड स्पेक्ट्रम का टैग जो है वो लगा हुआ हो। इसका मतलब ये होता है कि वो आपको दोनों रेज से प्रोटेक्ट करेगा, UVA, UVB rays, ठीक है? So guys, let's move forward to the reviews. तो गाइस, सबसे पहले हमारे पास ये वाली सनस्क्रीन है, ये जन फार्म कंपनी की है। इनकी ना तीन कैटेगरीज हैं सनस्क्रीन की, ठीक है, और मेरे पास इनमें से एक है जो कि टिंटेड सनस्क्रीन है, और इसी का ही रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। इस तरह की ट्यूब फॉर्म में आती है, इस तरह के इसके कलर्स हैं, और इसके ऊपर क्या लिखा है वो पढ़ लेते हैं। ये है स्पेक्ट्रा ब्लॉक मैक्स स्पेक्ट्रा ब्लॉक टिंटेड सुपर सन ब्लॉक क्रीम पैराबेन फ्री टिंटेड सनस्क्रीन कैन बी यूज एज अ प्राइमर लाइट वेट वाटर रेजिस्टेंट। गाइस, इसमें जो प्रोडक्ट है वो 40 ग्राम्स है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, और इस तरह की इसकी पैकेजिंग है। इसमें एसपीएफ 100 है, हाई प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवीए एंड यूवीबी, मतलब ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है, और इंटेंसिव सनब्लॉक क्रीम। तो गाइज, इसके इंग्रीडियंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें जिंक ऑक्साइड है और इसमें टाइटेनियम ऑक्साइड है। अब मैं पर्सनल रिव्यू जो है आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है इसके साथ। कुछ इस तरह की सनस्क्रीन है कि जिनका कलर ऑलरेडी स्किन का फेयर है उनके लिए तो ये बेस्ट है, क्योंकि उनके स्किन में अच्छे से जो है ना मिक्स हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी और ये नजर ही नहीं आएगी फिर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जो कि थोड़े डल कॉम्प्लेक्शन वाले लोग हैं, उनके लिए ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, क्योंकि ये व्हाइट कास्ट छोड़ती है, ठीक है, और ये उनकी स्किन पे जो है ना फिर काफी प्रोमिनेंट होती है और पता लग रहा होता है कि आपने अपनी स्किन पे कुछ अप्लाई किया हुआ है। तो गाइस, अब इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। तो ये 1000 रुपीज की इतनी सी ट्यूब जो है हमें मिलती है। अब इसकी बुरी चीज ये है कि इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा थोड़ी है, और जो पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि ये फेयर कॉम्प्लेक्शन वालों के लिए अच्छी है और डार्क कॉम्प्लेक्शन वालों के लिए अच्छी नहीं है, उनकी स्किन में अब्सॉर्ब ही नहीं होगी। मैं इसका फॉर्मूला जो है आप लोगों को दिखा देती हूँ कि इसका किस तरह का टेक्सचर है और ये किस तरह से ब्लेंड होती है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये मैंने इस बॉटल से थोड़ा सा अपने हैंड पे लगाया है, बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर है और ये टिंटेड है। तो गाइज, अब मैं इसे अच्छे से जो है ना ब्लेंड करती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ कि फाइनल किस तरह की लुक आती है इसकी। तो ये गाइज आप लोग देख सकते हैं, मैंने अच्छे से इसे ब्लेंड कर दिया है, थोड़ा सा जो है ना ग्लो आया है मेरे हाथ पे, आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी सी ये चमक चमक सी आप लोग नजर आ रही होगी। तो गाइज, लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये कौन सी स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। तो गाइज, अगर आप लोग की ड्राई स्किन है ना, तो मैं उनके लिए इसको ज्यादा रिकमेंड करूंगी। ये थोड़ी सी ग्रीसी सी है और जो ड्राई स्किन वाले हैं उनकी स्किन बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है, पापड़ बन जाती है, तो उसको मॉइस्चराइज ये रखेगी। एक तो ये क्रीमी टेक्सचर है ना इसका, तो उनके लिए ज्यादा बेस्ट है। ऑयली स्किन वाले अगर अप्लाई करना भी चाहते हैं तो वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में इसको यूज करें। गाइस, अब हम लोग आज यूके की सनब्लॉक के बारे में बात कर लेते हैं। ये है इनकी व्हाइटनिंग एंड वैनिशिंग सनब्लॉक। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्लेम क्या कर रहा है। वाटर रेजिस्टेंट एंटी डार्क स्पॉट्स एंटी डार्कनिंग एंड मल्टी फंक्शनल प्रोडक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्किन फ्रॉम यूवीए एंड बी रेज एंड एक्सप्रेसिंग नेचुरल स्किन टोन है कि फॉर ऑल स्किन टाइप्स और एसपीएफ पीए प्लस 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 60। इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं और यूजेज लिखा हुआ है। गाइस, अब इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। बहुत ही फजूल सी एप्लीकेशन है। अगर आप लोग एक दफा अपने फेस पर लगाओगे और इसको ब्लेंड करोगे ना, तो आप लोगों को 10 मिनट तो कहीं भी नहीं गए। बहुत ही ज्यादा ग्रीसीनेस है इसमें। आप लोग अगर ड्राई स्किन वाले भी हो ना, आप लोग इसको अप्लाई करोगे तो आप लोग का फेस है ना उससे ऑयल तो मैं कहती हूँ ऐसे मुफ्त में टपक रहा होगा। एक तो गर्मी है, ठीक है, अगर आप लोग इसको लगा लेते हो तो इतनी ज्यादा स्वेटिंग होती है और उस स्वेटिंग की वजह से बहुत ज्यादा इचिंग होती है। इट्स नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम आवर साइड, बिल्कुल भी परचेज मत करना। खैर, मैं इसका फॉर्मूला आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कितनी ज्यादा व्हाइट कास्ट ये छोड़ता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही थिक क्रीमी टेक्सचर इसका। मैं मूव भी करूँ ना तब भी ये स्लिप नहीं हो रहा, इतना ज्यादा थिक है ये। अब मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैंने इसमें से भी सिर्फ एक डॉट जो है ना वो साइड पे लिया है, ठीक है, और इसमें जो है ब्लेंडिंग देख लें आप लोग, कितना ऑयली लग रहा है अभी से ही ये, ठीक है, ये देखे कितनी ज्यादा व्हाइट कास्ट है।
तो इसलिए मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ये रेकमेंड नहीं करूंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्लू एसपीएफ फ्रॉम ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स एंड दिस इज द मोस्ट हार्ड प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो गाइस ये है मिनरल सनस्क्रीन और इसमें जिंक ऑक्साइड है, टाइटेनियम ऑक्साइड है। इसका रिव्यू देने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इट्स बीन अ ईयर कि मैं ये सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। इसको यूज करने के काफी तरीके हैं। आप लोग अगर डेली कॉलेज यूनिवर्सिटी गोइंग ऑफिस गोइंग हो तो आप लोग क्या कर सकते हो कि आप लोग फाउंडेशन के अंदर इसको अच्छे से ब्लेंड करके ना उसके बाद अप्लाई करो। बहुत अच्छा फॉर्मूला और बहुत अच्छा कॉम्बो बन जाता है। तो पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। इसकी इस तरह की ग्लास बॉटल है, ये इस तरह का कैप है ट्रांसपेरेंट सा इसका, और इसके ऊपर जो लिखा है ग्लो एसपीएफ है। ये एवरीडे टिंटेड सनस्क्रीन फॉर सेंसिटिव स्किन एंड ऑल स्किन टाइप्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन, 60 इसमें एसपीएफ है। हियर आर द इंग्रेडिएंट्स गाइस। यहाँ पे भी इसकी बॉक्स पैकेजिंग में भी कुछ लिखा है कि ये टिंटेड सनस्क्रीन है, इट हाइड्रेट्स एंड सूट्स व्हाइल प्रिवेंटिंग प्रीमैच्योर एजिंग। ये 50 ml की बॉटल है यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड सेकेंड थिंग इज कि ये कोई व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता। बहुत से लोग जो है वो कंप्लेन कर रहे थे कि ये पील टाइप की है और इसका छिलका सा बन जाता है इसको लगाने के बाद, तो मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा हुआ है कभी कभी, लेकिन वो भी इतना ज्यादा नहीं होता कि मैं उससे काफी इरिटेट हूँ। सेंसिटिव स्किन वालों के लिए जो है मे बी इसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी इरिटेटिंग हो, वैसे जो है ये अच्छी है। जिस पे आप लोगों ने इसके ओनली 2 pumps यूज करने हैं। ये इंस्टेंट ग्लो देती है आपके फेस को। गाइस ये क्लेम कर रही है कि टिंटेड सनस्क्रीन है, तो टिंट जो है वो इतना खास नहीं है इसका। बाकी इसकी कवरेज की बात रह गई तो ये हाफ कवरेज देती है, प्रॉपर फुल वाला कवरेज नहीं देती। गाइस अब इसका टेक्सचर मैं दिखा देती हूँ, इसकी एप्लीकेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है, काफी टिंटेड लग रहा है बट ब्लेंड होने के बाद बिल्कुल भी फील नहीं होता कि ये टिंटेड है। कि अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करके फिर दिखाती हूँ। सो गाइस दिस इज द एप्लीकेशन, ये आप लोगों को फील हो रहा होगा ग्लो। गाइस दिस सनस्क्रीन इज रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड, आप लोग इसको परचेज करो, इस पे इन्वेस्ट करो और इसको यूज करो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये है लश ऑर्गेनिक्स की द बेयर सनस्क्रीन जेल। गाइस ये जो है ना मैंने अभी कुछ मंथ पहले ही ऑर्डर की थी। तो पहले इसकी पैकेजिंग की बात कर लेते हैं। इस तरह की ये ट्यूब मिलती है। ये क्लेम करता है इट रिड्यूस द साइंस ऑफ एजिंग, प्रोटेक्ट स्किन फ्रॉम सनबर्न, नॉन ग्रीसी एंड ऑयल फ्री फॉर्मूला, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन एंड रेडनेस। वो है कि इट हैज 50+ एसपीएफ, यूवीए यूवीबी ब्रॉड स्पेक्ट्रम और 60 ml की ये इतनी सी ट्यूब हमें मिलती है। गाइज इसकी डायरेक्शंस वगैरह लिखी हैं तो आप लोग पढ़ लेना। तो गाइज इसको यूज करे हुए मुझे 4 to 5 months होने वाले हैं। काफी अच्छी है ये सनस्क्रीन। सबसे अच्छी बात ये है कि इट्स अ जेल बेस्ड सनस्क्रीन, तो ये अच्छे से जो है ना ब्लेंड हो जाती है। दिस प्रोडक्ट इज सो गुड फॉर ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन, और ड्राई स्किन वालों के लिए मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि ये जेल बेस्ड है और काफी जल्दी ड्राई भी हो जाता है स्किन पे, तो ऑयली स्किन वालों के लिए काफी अच्छा है और ड्राई स्किन वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। गाइस जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो ये है कि बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं छोड़ता, बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया हुआ है फेस के ऊपर, बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगता और अच्छे से ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन के अंदर। ये जो प्राइस है वो है 1K। और फ्रेग्रेंस की बात कर लेते हैं तो बहुत ही माइल्ड सी इसकी फ्रेग्रेंस है, बिल्कुल भी इरिटेटिंग नहीं है। जिनकी सेंसिटिव स्किन है वो इसको यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छी है ये। और इससे कोई भी इचिंग नहीं होती है, कोई भी रेडनेस नहीं होती, कोई भी व्हाइट कास्ट नहीं होती और बहुत ही स्मूथ ब्लेंडिंग है इसकी। तो गाइज ऑनेस्टली मैंने इतना ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया था इस प्रोडक्ट से, मतलब मैंने ऐसे रैंडमली ऑर्डर करवाई थी कि मैंने कहा चलो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। गाइज अब मैं इसका फॉर्मूला आप लोगों को दिखाती हूँ किस तरह की इसकी एप्लीकेशन है। ये आप लोग देख सकते हैं ये कुछ सा ग्रीन सा कलर है इसका, मैं इसको ब्लेंड करती हूँ। गाइज ये आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा अभी गीला है क्योंकि मैंने अभी सही से ड्राई नहीं किया इसको। आप लोग इसको लगाने के बाद अच्छे से जो है ना ड्राई करोगे तो बिल्कुल भी फील ही नहीं होगा कि आपके हाथ आपके फेस पे कुछ लगा हुआ है। गाइज मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट रिकमेंडेड है, आप लोग आराम से इसको परचेज करो और बहुत अफोर्डेबल है। लिंक्स जो है ना वो मैं शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में। आई होप कि आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, हेल्पफुल रही होगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो अब मिलेंगे हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।